हाय एवरीवन, वेलकम टू हेल्प टेकर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में रिव्यू करने जा रहा जिसको आप देखेंगे तो बोलेंगे कि नहीं, वास्तव में बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन को मैं पूरा बताऊँगा। इसके पहले मैं बता दूँ कि अभी एक लाइक कर दीजिए, वीडियो आपको अच्छी लगेगी ही एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए जिससे हमें नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि इस एप्लीकेशन को जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका मेन काम क्या है। पहले सबसे हम क्या करते हैं कि किसी मार्केट में जाते हैं, हमें ये नहीं मालूम चलता है कि ये जो नोट दिया, जैसे हम कोई दुकानदार को पैसे दिए 2000 रुपये, ठीक, उसने 500 रुपये के कुछ नोट हमें थमा दिए। मान लो 500 रुपये के सामान लिया और चार नोट दे दिया मुझे, तीन नोट मुझे बीच में एक नोट मान लो मुझे दे दिया, वो नकली दे दिया, ठीक, तो मुझे पकड़ में कैसे आएगा कि नहीं ये नकली है। तो इसके लिए मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि RBI की गाइडलाइंस को फॉलो करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है गाइडलाइंस को फॉलो करता है और उसके टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करता है। तो वो एप्लीकेशन जो है RBI ने खुद लॉन्च किया है, तो मैं उस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप देखिएगा, वीडियो कहीं भी स्किप मत करिए, पूरा देखिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा। इसका मेन पर्पज़ बनाने का था RBI वालों का कि ये एप्लीकेशन इसलिए बनाया गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, दृष्टिबाधित लोग होते हैं। तो वहाँ पे एक ऑडियो, हिंदी ऑडियो का भी कन्वर्जन मैं अभी एप्लीकेशन को जो बताऊँगा तो वहाँ बताऊँगा। तो आप देखिएगा, इसका मेन पर्पज़ ये था कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, तो आंखों से दिखाई नहीं देता तो कोई उनको अगर पैसे दे रहा, ठीक, पैसे दे रहा, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये नोट कितने का है और असली है कि नकली है, ठीक। तो इसके लिए RBI ने एक ऐप लॉन्च किया, मनी ऐप, ठीक। तो उस ऐप के बारे में बताने जा रहा, आप भी, आपको भी ये काम देगा कि कौन सी नोट असली है कौन सी नकली है, पूरा आपको स्कैन करके बता देगा और जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए भी काम में आएगा। उनको ये ऑडियो ग्रुप में बता देगा कि ये नोट 500 रुपये की है और ये नोट 100 रुपये की दे रहा दूसरा बंदा जो आपको दे रहा, ठीक। तो चलिए इस एप्लीकेशन को हम बताते हैं पूरा डिटेल से। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको सर्च करना है, यहाँ पर सर्च करिए, देखिए मनी, MANI मनी, उसके बाद में आपको डालना है RBI, ठीक, मनी RBI डालेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले ही जो दिख रहा आपको ये इसी पे हमको जाना है, ध्यान दीजिएगा, हमको है मनी मोबाइल एडेड नोट्स इन फाइंडर, ठीक। तो इसी को हमको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तो चलिए हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसको एप्लीकेशन को पहले से डाउनलोड कर रखा था इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखा रहा, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से बता रहा। देखिए, इस एप्लीकेशन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, मनी, यही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। देखिए, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है यही है, ठीक, और कोई दूसरा अन्य फॉलो करिएगा। ये जो मेन एप्लीकेशन, मैं जो भी चीज़ बताता हूँ, जो मैं बताता हूँ उसी को करेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दूसरा एप्लीकेशन आप मत यूज़ करिएगा जिससे कि कहीं भी आपको दिक्कत हो। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको देखिए यहाँ पे। तो इस एप्लीकेशन को आप ले लीजिए प्ले स्टोर से, तो इसको ओपन कीजिए, ठीक। ओपन करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा प्लीज़ स्कैन, ठीक। तो प्लीज़ स्कैन का मतलब होता है जो नोट रहेगा उसके सामने लगाना है, जैसे अब यहाँ पे जो जैसे नोट है इसके नीचे हम लगाएंगे जो भी नोट रहेगा, तो ये तुरंत ही क्या करेगा, वो बता देगा कि ये इतने रुपए का नोट है, उस पर लिख के आने लगेगा और ये वॉइस कमांड भी करेगा कि नहीं इतने का नोट है। जैसे वॉइस कमांड करने का मतलब क्या होता है कि जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनको क्या हो, तो दृष्टिबाधित लोग जो गए अब स्क्रीन पे तो देख नहीं सकते, तो उनको क्या ऑडियो फॉर्म में उनको बता दिया जाता है, जैसे ही लगाएंगे सामने हाथ में लेके वो बता दिया जाता है कि ये इतने का ही नोट है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है टॉर्च का, अगर रात में देख रहे हैं तो आप टॉर्च अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो देखिए आपको सामने, जैसे ही करेंगे देखिए यहाँ पे किए, देखिए फ्लैश ऑन हो गया। इसी तरह से इसको ऑफ कर दे रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक ऑप्शन है मेनू का, मेनू में जाके यहाँ पे स्कैन करेंसी, देखिए ये जो है स्कैन करेंसी, यहाँ से स्कैन कर सकते हैं यहाँ पे भी जाके, और यहाँ से हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री में क्या है कि जो पुराने रिकॉर्ड रहते हैं जिसको आपने स्कैन किया। देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे स्कैन कर रखा 10 रुपये को, तो ये बता रहा कि इतने तारीख को आपने ये स्कैन किया था। और वॉइस कमांड में आप वॉइस देख सकते हैं, वॉइस सुन सकते हैं जिसकी रिकॉर्डिंग, जिस नोट की आप स्कैन किए रहेंगे, ठीक। तो यहाँ से मैंने पूरा बता दिया इसके हिस्ट्री के बारे में सब। अब देखिए, मैं एक लेके आपको दिखा दे रहा कि कैसे स्कैन होगा।
जब किस एप्लीकेशन को आप करेंगे तो कुछ निर्देश देता है। सबसे पहले आप उस निर्देश को ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार हिंदी में बताएगा, एक बार इंग्लिश में बताएगा। बताने के बाद कुछ देर के बाद ये आपको ऑप्शन मिलने लगेगा, ठीक। तो आप पहले जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो ये तुरंत आपको नहीं तुरंत ये ऑप्शन आएगा, कुछ समय आपको वो निर्देश देगा कि आप RBI की गाइडलाइंस को ऐसे फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे आप भाषा सेलेक्ट करने को बोलेगा, तो आप हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी, आपको इंग्लिश की जानकारी है तो इंग्लिश में कर सकते हैं। तो वहाँ से आप उसको चूज करके आप करना है। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कैसे स्कैन करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्कैन करेंसी के ऑप्शन आ रहा है, स्कैन करेंसी। तो आपको करना क्या है, इसी पे जाना है, स्कैन करेंसी। अब देखिए, मैं यहाँ पे अलग अलग नोट लेके मैं आपको करके दिखा दे रहा सामने, तो आपको पूरा डिटेल से मालूम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, चलिए मैं एक नोट लेके दिखा दे रहा। अब देखिए इसको ये डिटेक्ट करता है कि नहीं, देखिए यहाँ पे डिटेक्ट करता है कि नहीं इसको। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक सामने नोट लिया और स्कैन करेंसी पे मैंने ओके किया। देखिए यहाँ पे सामने, तो जैसे ही स्कैन करेंसी पे मैंने ओके किया, देखिए यहाँ पे दिखाने लगा, आपको स्क्रीन के सामने दिख के आ रहा। देखिए यहाँ पे ये स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा, ये बता रहा कि ये नोट जो है 500 रुपये का है, ठीक। ये जो नोट है ये 500 रुपये का, ये डिटेक्ट कर लिया यहाँ पे, ये जो है ये डिटेक्ट कर लिया। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए इस 500 नोट को मैं यहाँ से हटा दूँ, देखिए यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्लीज़ स्कैन का ऑप्शन आ रहा। अब इसी तरह से फिर से मैं इसको लगा दिया यहाँ पे, तो देखिए ये 500 रुपये बताने लगा। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा है, इसकी वजह से ये वॉइस ऑन नहीं आ रहा। आप जब करेंगे तो वॉइस भी आएगा, तो आप इसको देख लीजिए कि यहाँ पे 500 रुपये शो कर रहा। इसी तरह से मैंने एक दूसरा नोट लेके मैं आपके सामने जो है वो दिखा रहा। तो चलिए मैं एक नोट लेके दिखा दे रहा दूसरा, देखिए ये करेक्ट करता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये स्कैन करने लगा, ये बता रहा है कि ये 10 रुपये का नोट है। देखिए आपके सामने डिटेक्ट हो रहा, ये 10 रुपये का नोट शो कर रहा आपके सामने, ठीक। इसी तरह से चलिए मैं एक और नोट लेके आपको दिखा दे रहा। तो आप देखिए इसको हटा दीजिए यहाँ पे, और एक दूसरा नोट आप इस यहाँ पे रख लीजिए। तो चलिए मैंने ये रख लिया, ये है, देखिए ये है नेपाली 10 रुपये, ठीक। ये नेपाली 10 रुपये है, देखिए इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा, ये सामने आपको दिख रहा होगा कि ये 10 रुपये का जो है ट्राई अगेन लिख रहा, यानी कि इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो यही खासियत इस एप्लीकेशन का जो RBI ने लॉन्च किया है। तो कोई सा भी रहेगा तो आपको क्या होगा कि देखिए ये 10 रुपये है जो कि नेपाली रुपीस है, तो इसको डिटेक्ट नहीं कर, इसलिए मैं इसको पलट के रख दे रहा। देखिए यहाँ पे नेपाल राष्ट्र बैंक लिख रखा ये 10 रुपये का नोट, तो यहाँ पे देखिए फिर से मैंने वो किया, डिटेक्ट नहीं किया। तो आप अब देख लीजिए यहाँ पे इसका काम क्या है, आपको बता देगा जो भी दृष्टिबाधित रहेगा उसको ऑडियो फॉर्म में सुनाई देगा कि ये 500 रुपये का नोट है, ये 10 रुपये का नोट है, ये 200 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है। तो ये आपको पूरा डिटेल से ये चीज़ आपको बताता रहेगा, ठीक। तो एक अच्छा एप्लीकेशन है, लोग बागों के पास शेयर करें इस एप्लीकेशन को। तो अब इसी तरह से आप देख लीजिए यहाँ पे जब मेनू में आप क्लिक करेंगे तो मेनू में आपको दिखाई दे रहा होगा स्कैन करेंसी, दूसरा मैंने बताया हिस्ट्री, जिस चीज़ को अभी हमने स्कैन किया देखिए वहाँ पे ये पूरा हिस्ट्री बताएगा। देखिए यहाँ पे हमने 10 रुपये को किया तो 8:20 टाइम दिखा रहा और ये 10 रुपये डिटेक्ट अभी हुआ, ठीक। इसी तरह से मैंने 3-4 बार किया 10 रुपये का, तो 10 रुपये वाला बता रहा। अभी उसके नीचे 500 रुपये वाला मैंने किया था, तो देखिए यहाँ पर 500 रुपये शो कर रहा कि अपने इसके पहले 500 रुपये किया, फिर 10 वाला 3-4 बार अपने जो किया है, तो जितनी बार करेंगे उतना पूरा डेट और टाइम शो होगा इसका। तो अच्छा एप्लीकेशन है, आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि नकली नोट है कि असली नोट है और कौन सा नोट है, तो आप देख सकते हैं। जो दृष्टिबाधित रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है ये। तो आशा है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो करें ही करें, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।